गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। तो बच्चों, सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश ग्रामर। सो प्लीज़ ओपन योर इंग्लिश ग्रामर बुक और इसमें देख लेते हैं आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप बुक ओपन करिए और मेरे साथ ओपन करिए। देखिए, इसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेसन नंबर 4, एडजेक्टिव्स। ठीक है, तो एडजेक्टिव्स क्या होते हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो ये सबसे पहले आप ये देख रहे हैं बॉक्स है आपके आगे, इसको हम लास्ट में करेंगे जब हम लेसन पढ़ लेते हैं। लेसन पढ़ने के बाद जब आप समझ जाएंगे तो आप इसे अपने आप से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कि एडजेक्टिव्स टेल अस, एडजेक्टिव हमें किसके बारे में बताता है, एडजेक्टिव हमें किस बारे में बताता है। तो एडजेक्टिव टेल अस व्हाट कलर, किसी चीज़ के कलर के बारे में, किसी चीज़ के साइज़ के बारे में, हाउ नाउन लुक्स मतलब नाउन कैसा दिखता है उसके बारे में, हाउ समथिंग साउंड किसी की साउंड क्या है उसके बारे में, हाउ मैनी कितना है, अबाउट अ नाउन और नाउन के बारे में हमें बताता है तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है एडजेक्टिव। ठीक है, तो इसमें आगे देख लेते हैं, हम पेज टर्न करते हैं। तो देख लीजिए, सबसे पहले देखिए, हाँ ध्यान से सुनिए, यू हैव लर्न, देखिए, You have learned that an adjective adds to the meaning of a noun or pronoun. Adjective क्या करता है, किसी noun और pronoun को क्या देता है, क्या जोड़ता है किसी noun और pronoun में, अर्थ बनाता है। Now, let us read about the types of adjective. अब हम पढ़ेंगे adjective के types के बारे में, कितने प्रकार के adjectives होते हैं तो उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं types of adjectives. Adjectives are of various types. Adjectives क्या है, विभिन्न प्रकार के होते हैं। We have learnt about a few in our previous class. इससे पहले हम अपनी जो क्लास पढ़ के आए हैं उसमें भी हमने उसके बारे में पढ़ा है। Let us learn more. लेकिन अब हम जिस क्लास में आ गए हैं, नई क्लास में, हम इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे। तो देखते हैं adjectives of quality. Adjective of quality क्या होता है, और descriptive adjective. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में हम क्या क्या सीखते हैं, क्या क्या हमें पढ़ने को मिलता है, तो देखिए, मोस्ट ऑफ दीज एडजेक्टिव्स आंसर द क्वेश्चन। इसमें जो ज़्यादातर एडजेक्टिव्स होते हैं वो क्या करते हैं, आंसर द क्वेश्चन। व्हाट काइंड, प्रकार, क्या प्रकार है। ठीक है, एग्जाम्पल, सी वी रमन वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट, कैसे साइंटिस्ट हैं, तो क्या कर रहा है ये, हमें इसमें आंसर मिलता है, ग्रेट साइंटिस्ट, कैसे साइंटिस्ट हैं, ग्रेट। ग्रेट सेज व्हाट काइंड ऑफ साइंटिस्ट। ठीक है, द स्टोरी इज अम्यूजिंग, अम्यूजिंग सेज व्हाट काइंड ऑफ अ स्टोरी, कैसी स्टोरी है, अम्यूजिंग। ग्रामर इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, तो किस तरह का सब्जेक्ट है ग्रामर, इंटरेस्टिंग, दिलचस्प। ठीक है, इंटरेस्टिंग सेज व्हाट काइंड ऑफ सब्जेक्ट। देखिए, फर्दर एग्जाम्पल्स दिए हैं, अ नैरो स्ट्रीट, नैरो मतलब होता है तंग, पतली, पतली गली, कैसी गली है, पतली है। अ क्राउडेड बस, भीड़ भाड़ से भरी हुई बस है, कैसी है, क्राउडेड है। अ टफ क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन है, टफ है, कठिन है। अ फेमस पोएट, कैसा पोएट है, फेमस है, प्रसिद्ध है। सेकंड देखते हैं, पॉजिटिव, पॉजिटिव से जैसे आप पहले भी पढ़ चुके हैं, पॉजिटिव से मतलब होता है किसी चीज़ पर किसी के अधिकार के बारे में जब बात होती है तो पॉजिटिव नेस कहलाता है। या ठीक है, तो ये क्या बताता है हमें, दीज एडजेक्टिव्स लाइक पॉजिटिव प्रोनाउंस आंसर द क्वेश्चन हुज, किसका है। ठीक है, एग्जांपल देखिए, माय बैग, हिज कैमरा, योर सीडी, देयर कार, मेरा कैमरा, उनकी सीडी, उनका कैमरा, मेरी कार, तो ये क्या है, हुज, हुम, ये सब क्या है, योर्स, अवर्स, ये क्या होते हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट देखिए, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, तो देखिए, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं, देखिए, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, दिस, दीज, दैट, दोज हैव द सेम फॉर्म एज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस एंड पॉइंट टू पीपल और थिंग्स। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या करता है, डेमोन्स्ट्रेटिव कैसा होता है, इसमें आते हैं जैसे दिस, दीज, दैट, दोज हैव द सेम फॉर्म एज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की जैसी फॉर्म होती है वैसे ही डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। इसमें दिया है सिंगुलर और प्लूरल में क्या क्या होता है,
पहला देखिए, नियर द स्पीकर मतलब जो हमारे पास चीज़ होती है उसके लिए हम दिस बोलते हैं, और जब प्लूरल में हम बात करते हैं तो वो हो जाता है दीज। फार जो हमसे दूर है वो होगा दैट, और जब वो दूर होगा तो दोज। ठीक है, आगे बढ़िए। लुक एट द फॉलोइंग कन्वर्जेशन दैट हैज़ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स एंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। हुर्रा, ठीक है। इज देयर अ हना, इज देयर अ हैमर ऑन दैट टेबल, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। माया, यस देयर इज। हाना, ग्रेट आर देयर एनी नेल्स। सेकेंड है हाना, देन वट आर दोज। देखिए माया, दीज आर स्क्रूज नॉट नेल्स। हाना, ओ हेयर दे आर नेक्स्ट टू मी ऑन दिस टेबल, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वान्टिटी में क्या होता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वान्टिटी टेल अस अबाउट द अमाउंट और ऑफ अ थिंग और नंबर। किसी भी चीज़ या नंबर की हमें क्या पता चलती है? अमाउंट पता चलती है। दे आंसर द क्वेश्चन हाउ मच और हाउ मैनी। ये हमें क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन जैसे शुरू होगा कि हाउ मच कितना, हाउ मैनी। ठीक है, दे इंक्लूड वर्ड्स लाइक मच, मैनी, सम, एनी, फ्यू, इनफ, ऑल, बोथ, वन, टू, फर्स्ट, सेकेंड एंड सो ऑन। इसमें ये सभी वर्ड्स आते हैं, जैसे मच हो गया, मैनी हो गया, सम हो गया, एनी हो गया, फ्यू हो गया, इनफ हो गया, ऑल, बोथ, वन, टू, फर्स्ट, सेकेंड। ठीक है, एग्जाम्पल, आई हैव बॉट सम बटर। तो इसमें सम आपका क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वान्टिटी। देयर इज इट मच शुगर इन द टिन, तो इसमें क्या हो गया? मच। हैव यू गॉट एनफ मनी, तो एनफ क्या हो गया? क्वान्टिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वान्टिटी। फिर है एन इंसेक्ट हैज सिक्स लेग्स, कितने लेग्स हैं? सिक्स, तो ये है एडजेक्टिव ऑफ क्वान्टिटी। द सेम वर्ड कैन बी यूज आइदर एज एन एडजेक्टिव ऑफ क्वान्टिटी और एज अ प्रोनाउन ऑफ क्वान्टिटी। रीड दीज एग्जाम्पल्स, देयर आर सम ग्रेप्स इन दिस फ्रिज, तो सम। आर यू लुकिंग फॉर ग्रेप्स? देयर आर सम इन द फ्रिज। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर में देख लेते हैं। देयर आर फोर काइंड ऑफ एडजेक्टिव ऑफ नंबर। दे आर कार्डिनल सच एज 1, 2, 3 डिनोट एन एग्जैक्ट नंबर। एग्जाम्पल, द हैंड हैज 5 फिंगर्स। एग्जैक्ट नंबर्स के बारे में जब बात होती है तो वो होता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक है, ऑर्डिनल्स एज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड डिनोट द ऑर्डर और पोजिशन ऑफ थिंग्स इन अ सीरीज। फिर देखिए इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव सच एज ऑल, नो, मैनी, फ्यू, सम डू नॉट डिनोट एन एग्जैक्ट नंबर। ठीक है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या होता है? जब इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हेन, व्हाट, हाउ, ठीक है, आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। एग्जाम्पल, व्हाट स्पोर्ट डू यू लाइक द बेस्ट, तो व्हाट। व्हाट टाइम डू यू हैव लंच, व्हाट कलर इज दिस कार, तो ये क्या है? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो अभी इसको मैं थोड़ा सा आपको कॉपी में लिखवा रही हूँ, तो देख लीजिए। इसमें डेफिनेशन देखिए, क्लास फिफ्थ है, सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर है, डेट 31 जुलाई 2021 है। ठीक है, लेसन नंबर 4 है एडजेक्टिव्स, डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव आप अपने आप लिखेंगे। ठीक है ना, सबसे पहले पेज में आपको दिया है कि एडजेक्टिव क्या करता है। एडजेक्टिव हमें बताता है नाउन के से शेप, साइज, कलर। ठीक है ना, तो डेफिनेशन आपने अपने आप इसमें सर्च करके लिखनी है। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव में हम उतार देंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, तो उसमें हम उसके टाइप्स लिख देंगे। एग्जाम्पल हम इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, ये आपने भी अपनी कॉपी में करना है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में हम लिख देंगे काइंड, ग्रेट, इंटरेस्टिंग, अम्यूजिंग। एग्जाम्पल हमने दिया, नैरो स्ट्रीट, क्राउडेड बस, टफ क्वेश्चन, फेमस पोएट। पॉजिटिव एडजेक्टिव में भी हम लिख देंगे कि किससे शुरू होता है, हुज, योर, अवर, हेयर्स, हर्स, हिज। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है? दिस, दीज, दैट, दोज। फोर्थ है एडजेक्टिव ऑफ क्वान्टिटी, सम, मच, एनफ, सिक्स। फिफ्थ नंबर पे हम उतारेंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर, 1, 2, 3, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव किससे स्टार्ट होता है? वर्ड, विच, हुज। तो इस तरह से आपने इसे अपनी कॉपी में करना है और अपने यहाँ पे एडजेक्टिव की डेफिनेशन भी लिखनी है। ठीक है।
तो बच्चों ये है आज आपका काम, इसे करेंगे आप अपनी इंग्लिश ग्रामर की कॉपी में और राइटिंग बनाएंगे आप बहुत ही अच्छी, ठीक है? तो इसे कर लीजिए आप अपनी इंग्लिश ग्रामर की कॉपी में।